वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको रेलवे स्टेशन से समझ में आ रहा होगा, मैं जा रही हूँ फ्रॉम जबलपुर टू भोपाल एंड देन उज्जैन महाकालेश्वर। ये देखिए, ये है जबलपुर का रेलवे स्टेशन। और मेरा कोच आगे है, मैं यहाँ शूट करके आपको बता रही हूँ। ये अंदर देखिए, वो मेरे बैठे हैं पापा। हमारी ट्रेन रात को 11:30 बजे जबलपुर से थी, तो अब मैं सोने जा रही हूँ और मिलते हैं आपसे कल सुबह भोपाल में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं। ये है भोपाल रेलवे स्टेशन, यहाँ से आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो ये है मेरा रूम 05। ये देखिए, ये है मेरा रूम, ये मिरर लगा हुआ है, ये है वॉशरूम। ये टेलीविज़न लगा हुआ है। ये हम भोपाल में रुके हुए हैं, बंजारा होटल है ये। ये है मेरा रूम भोपाल में। एक्चुअली मेरे पापा को ऑफिस में कुछ काम है भोपाल में, दैट्स वाई आज हम लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं। एंड सुबह कल मॉर्निंग में हम जाएंगे महाकालेश्वर उज्जैन। सो अभी बज रहे हैं अराउंड 1:00 हो रहा है और मैं होटल रूम में बैठी हुई हूँ क्योंकि पापा गए हुए हैं ऑफिस। तो वो जैसे ही अपना ऑफिस का काम फिनिश करके आते हैं, फिर लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं। लाइक है तो प्लान जाने का कि भोपाल में कुछ प्लेसेस घूम के आते हैं, लाइक अपर लेक है एंड पीपल्स मॉल है। लेट्स सी, अगर पापा ऑफिस से जल्दी आते हैं तो वी विल गो, अदरवाइज प्लान को स्विच करना पड़ेगा। सो फाइनली पापा ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो हमारा प्लान बन गया और हम आ गए हैं पीपल्स मॉल। ये देखिए, ये पार्किंग है पीपल्स मॉल की, टाइटैनिक वे में ये बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पार्किंग है। एंड देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ है। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, स्टैचूज बने हुए हैं। ये देखिए, इसका इंटीरियर कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। ये सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं, जो कि मैं लौट। ये किड्स जोन है, आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है, कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। पापा हाय बोल दो। ये शॉप्स हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है, शूज़ की है, कपड़े हैं। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, अभी काफ़ी काम चल भी रहा है इसमें। एंड
फ्री गेट है। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन है, ये हैंडबैग्स हैं यहाँ पे। अब हम लोग लेंगे टिकट, 60 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन अंदर जाने के लिए। अभी तक ये नॉर्मल फूड काउंटर एंड शॉपिंग टाइप का था, अब जो मेन है उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। सो ले रहे हैं, ये 60 रुपीज़ की टिकट है एंड ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है किस साइड पे क्या चीज़ है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें जहाँ जिस साइड जाना हम जा सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। ये स्टार गार्डन भोपाल लिखा हुआ है और अब हम जा रहे हैं ताजमहल के प्रवेश द्वार में, देखते हैं ये कितना डिफरेंट है और कितना सिमिलर है। मैं रियल वाला ताजमहल तो गई नहीं हूँ, बट अगर आप में से कोई भी गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। ये देखिए ताजमहल, ये देखिए, ये मैं पहुँच गई हूँ ताजमहल। अब हम जा रहे हैं दूसरे प्लेस में, मतलब रेड फोर्ट देखने जा रहे हैं। हम गार्डन है, किसी को बैठना हो बैठने के लिए वो दिख रहा है ताज होटल, अभी वहाँ भी हम लोग जाएंगे। ये देखिए बैक पोर्शन ऑफ ताजमहल, ये है रेड फोर्ट। अभी इसमें काफ़ी पुराना सा लग रहा है, इसमें रेनोवेशन की ज़रूरत है, पेंट एंड ऑल होना चाहिए तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। ये है रेड फोर्ट, ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, मदर लिखा है एंड इंडिया का मैप बना हुआ है। देखिए इधर मदर लिखा हुआ है और उधर फादर लिखा हुआ है एंड इधर फ्रेंड्स, वो दिख रहा है आईफेल टावर। ये फाउंटेन है, ये रात के टाइम और अच्छा लगता है, इसमें लाइटिंग होती है। और ये देखिए इधर भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसमें आपको पूरा घूमने के लिए 3 आवर्स तो होने ही चाहिए आपके पास, तभी आप इसे पूरा घूम सकते हैं। शाम के 4:30 बज रहे हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप 6 बजे प्रेफर कर सकते हैं, ठंडा मौसम रहेगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अभी तो काफ़ी एग्जर्शन हो जा रहा है, इस वजह से मैंने अपना मास्क भी हटा दिया है। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है एंड उसके पीछे ये लंदन का आईफेल टावर दिख रहा है, सॉरी लंदन का नहीं, पेरिस का आईफेल टावर है ये। और ये है मुंबई का ताज होटल, पीपल्स वाटर पार्क। और ये यहाँ देखिए सामने ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वो विंडो में वो एक भैया गाना गा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये वाटर पार्क है, अभी ये क्लोज है ड्यू टू कोविड। ये लाफिंग बुद्धा बैठे हुए हैं, ये
ये छोटे बच्चों की बोटिंग हो रही है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए। बाहर ये है बाहर का रास्ता, जूस ले रहे हैं 10 रुपीज का, ये ऑरेंज और मैंगो वाला 10 रुपीज का फ्लेवर्ड जूस हम लोग ने लिया है, ऑरेंज फ्लेवर एंड पापा ने लिया है मैंगो फ्लेवर। ये पूरे पीपल्स मॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मिनी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जाएंगे अपर लेक। व्यूअर्स गुड इवनिंग टू एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है भोपाल का बहुत ही फेमस अपर लेक, भोजताल भी बोला जाता है इसे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा है, सीन पूरा लग रहा है, ये भोजताल है और शाम का टाइम। वैसे तो भोपाल में काफ़ी सारी प्लेसेस हैं लाइक सैर सपाटा और भी प्लेसेस है, बट हमारे पास टाइम का शॉर्टेज था इसलिए हम सिर्फ दो ही जगह जा पाए थे। आपको अपर लेक आना हो तो ईजली बसेस अवेलेबल हैं, 304 या TR1 जो लिखा रहता है उससे आप ईजली आ सकते हैं और काफ़ी चीप रेट भी है, कोई हाईफाई नहीं है, ईजली आ सकते हैं आप यहाँ पे। भोपाल को द सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं। यहाँ पे एक भोपाल राजा थे, उनके नाम पे ये शहर का सिटी का नाम पड़ा हुआ है भोपाल। सो अब हम जा रहे हैं बैक टू अपने होटल रूम में, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। इसके बाद हम खाना खाएंगे, ये पापा ने स्पेशल थाली मंगवाई है और मैंने आलू का पापा। इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल सुबह।